तो कुछ लोगों के लिए आसमान से बरस रही मुसीबत कम नहीं हुई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश से जल प्रलय जैसा मंजर है। साथ ही हिमस्खलन से केदारनाथ धाम में दहशत भी फैली। आधा भारत इस वक्त जल तांडव से परेशान है। लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले मैं तस्वीरें बता दूं, ये जो सफेद गुब्बार आप देख रहे थे अभी, खैर ये दूसरी तस्वीरें यहां पर आ गई, लेकिन ये सब पूरे देश में पानी की आफत को बताते हैं। आलम यह है कि कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरने से लोगों को पैदल ही सड़कों को पार करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से शहर शहर जल तांडव है और प्रकृति के साथ इंसानों का खिलवाड़ भारी पड़ता दिख रहा है। देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर लगातार जारी है। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश है, जिसके चलते सड़कें पानी से भरी हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां कई फीट तक पानी भर गया है और कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। हमारे ठीक पीछे ये स्थिति गुजरात की थी, लेकिन अब जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गौर से देखें। ये जो आप गुबार देख रहे हैं ना, ये गुबार है एवलांच का, यानी बर्फ का पूरा पूरा ग्लेशियर का एक हिस्सा दरक गया। और ये कहां घटना हुई, ये बाबा केदार का मंदिर दिखाई पड़ रहा है। 2013 अप्रैल का महीना याद करिए, एक ऐसी आपदा आई थी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया था। एक बार फिर वैसी तस्वीरें केदारनाथ मंदिर के पीछे की पहाड़ियों से दिखाई पड़ी। ये एवलांच आया, जानकारी के मुताबिक केदारनाथ धाम के पीछे गांधी सरोवर की पहाड़ी पर कल सुबह 5:46 पर एवलांच आया। पहाड़ी से बर्फ काफी नीचे आ गई, पहाड़ी पर बर्फ का धुआं उड़ने लगा और इसके बाद केदार नगरी में यानी केदारनाथ धाम में हलचल मच गई। काफी देर तक ये एवलांच आता रहा। हालांकि इस पहाड़ी पर एवलांच आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन समय समय पर यहाँ एवलांच आते रहते हैं। हालांकि इस एवलांच से कोई नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर पहाड़ी के इस हिस्से ने इस एवलांच को रोका और इसने अपना रास्ता बदला। मंदिर इस तरफ था, ये इस तरफ की ओर नहीं आ पाया, लिहाजा ये चीजें सुरक्षित रही। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। जो आप देख रहे हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। कलेजा निकलकर हाथ में आ जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे पल भर में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। केदारनाथ में बर्फीला पहाड़ टूटा, हिमस्खलन को देख लोगों के उड़े होश। हिमस्खलन से केदारनाथ में हो जाता बड़ा जल प्रलय। उत्तराखंड के केदारनाथ में गांधी सरोवर में हिमस्खलन की घटना सामने आई है। गनीमत रही कि अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि इसका असर चार धाम तीर्थ स्थल पर जरूर नजर आ सकता है। वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। केदारनाथ में होते एवलांच का वीडियो देखकर केदारनाथ हादसे की याद ताजा होने लगी। खौफनाक मंजर जो दिख रहा है वो किसी का भी कलेजा कंपा दे। केदारनाथ में बादल फटने के बाद जो तबाही आई थी वो आंखों के सामने नजर आ रही है। जी हां, उत्तराखंड में बादल फटने से जो विनाशकारी बाढ़ आई थी उसमें केदारनाथ और आसपास के कई इलाके तबाह हो गए थे। कई सौ लोगों की मौत हो गई थी। मौत का मंजर देखकर दुनिया में मातम पसर गया था। भयानक मंजर हर किसी के दिल को डराता है और यही वजह है कि जब केदारनाथ में इस एवलांच को जिसने भी देखा वो डरा सहमा देखता ही रह गया। केदारनाथ मंदिर के पास एवलांच, ग्लेशियर टूटने से आया एवलांच, केदारनाथ के गांधी सरोवर के ऊपर एवलांच। आपको बता दें कि 18 जून को रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मार्ग पर एक ढाबे के ठहरने से मध्य प्रदेश और हरियाणा के 7 तीर्थयात्री घायल हो गए थे। 28 दिनों में 7,10,698 तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए और इस माह के शुरू में केदार धाम में श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखा गया।
6 जून तक श्रद्धालुओं की संख्या 7 लाख से ज्यादा हो गई। जरा सोचिए, यदि एवलांच खाई में नहीं गिरती तो इसके तांडव से कैसे बचा जा सकता था। उत्तराखंड में कब कब आया एवलांच? 2021 में त्रिशूल चोटी आरोहण के दौरान हिमस्खलन हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। 2021 में ही लमखागा दर्रे में एवलांच हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हुई। 2019 में नंदा देवी चोटी में हिमस्खलन की वजह से 8 लोगों की मौत हुई। वहीं 2016 में शिवलिंग चोटी में एवलांच की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तराखंड में एवलांच की घटना होती रहती है। सबसे चिंता की बात है कि प्रकृति में बदलाव का असर हमारे ग्लेशियर पर पड़ रहा है। केदारनाथ मंदिर के ठीक ऊपर जो एवलांच का नजारा दिखा वो भी ग्लेशियर के फटने की वजह से हुआ। तो क्या होता है हिमस्खलन? ये एक प्राकृतिक घटना है। बर्फ की एक बड़ी मात्रा नीचे गिरती है। ये घटना अक्सर बर्फबारी के बाद होती है। तेज रफ्तार में गिरने से बड़ा नुकसान होता है। प्रकृति बदल रही है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। इंसानों ने जिस तरह से प्रकृति का दोहन किया है वो विनाशकारी है। केदारनाथ में बादल फटने के बाद जो तबाही हुई थी, इसके भयानक मंजर कभी भुलाए नहीं जा सकते। और जब मंदिर के ठीक ऊपर की पहाड़ी पर बर्फ फटने लगे तो मंजर भयानक दिखा। प्रकृति फिर चेतावनी दे रही है कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ज्यादा होने पर ग्लेशियर टूटेंगे और तबाही का तांडव दिखेगा। इसलिए वक्त रहते इस चेतावनी को समझने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अपनी अपनी बातें हो सकती हैं, क्या पता बाबा केदार कोई चेतावनी दे रहे हो जैसे समझने की जरूरत हो। खैर, बारिश का कहर हर जगह दिख रहा है।